नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभय। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल के न्यू मार्केट पहुंचकर संकल्प अभियान के तहत कोरोना को जड़ से मिटाने, मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की शपथ ली। उन्होंने व्यापारियों की दुकानों के बाहर स्वयं सफेद गोलों का निर्माण किया और जनता से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क लगाने की अपील की। इसके साथ ही गृह मंत्री ने आम लोगों में मास्क का वितरण किया और कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव से बचने की अपील भी की। और क्या खास रहा आज के संकल्प अभियान के तहत, दिखाते हैं आपको हमारी खास रिपोर्ट में। एक अभिनव प्रयोग है ये, आज मुख्यमंत्री जी ने जो किया है, आपने भी देखा होगा। 2 मिनट के लिए भोपाल थम गया, मध्य प्रदेश थमा, जो नहीं थमा उसने थमा हुआ देखा, पूछा क्या हुआ। जब पूछा तो पता चला कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं है। कोरोना से अगर प्यार है तो समाज का बहिष्कार है। ऐसे व्यक्ति जो मास्क नहीं लगाएंगे, आज से हम पुलिस विभाग के लोगों से भी कहेंगे कि ऐसे लोगों की सेल्फी खींच के ये स्लोगन लिखें, इन्हें कोरोना से प्यार है और समाज के द्वारा बहिष्कार है। जब ये चलेगा तो स्वाभाविक रूप से जागरूकता बढ़ेगी। ये गांधीवादी तरीका है। मानव कोरोना मानव बम बन के नब में, अगर वो संक्रमित है और घूम रहा है, आप देखें भोपाल की, इंदौर की, आज 300-400 मामले रोज निकल रहे हैं। अगर यही स्पीड रही तो पुरानी स्थिति में पहुंचने में देर नहीं लगेगी। और इसलिए पूरे प्रदेश से करवंद प्रार्थना कि सारी सावधानियों का, गृह विभाग के द्वारा जारी किए निर्देशों का, केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का, सारे मेले जो बड़े बड़े आयोजन थे, करीला माता जैसा, ग्वालियर का मेला जैसा, ये सब पर रोक लगाने का सरकार ने, गृह विभाग ने तय किया है। इस तरह के जो जहां पर संडे का कर्फ्यू है, 20 से ज़्यादा केस आ रहे हैं, वहां पर अंतिम यात्रा में शादी विवाह फंक्शन समारोह, कोई भी धार्मिक आयोजन, किसी भी धर्म का हो, इन सब को बिना अनुमति से करने पर रोक लगा दी गई है जहां पर कर्फ्यू के हालात। अगर वीडियो पसंद आया तो इंडिया फर्स्ट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर आप अपडेट रह सकते हैं।